स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक की अध्यक्षता में कृषकों की आय में व्यापक वृद्धि लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर पूर्ण विधानसभा में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, एफएफडीसी निदेशक शक्ति विनय शुक्ल, लखनऊ से आए जेवीके बायो एनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से डॉक्टर कामिनी सिंह, एपीओ श्री विजय सिंह चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक में विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि यदि कृषक आलू व मक्का की खेती से पृथक लेमन ग्रास की खेती करता है तो जहां उसे आलू व मक्का की खेती से पूरे साल में जितनी आमदनी होती है वो सभी खर्चे निकालने के उपरांत निम्न रह जाती है, जिस कारण कृषक तरक्की नहीं कर पा रहा है। उन्होंने बताया कि लेमन ग्रास की खेती में सिंचाई की आवश्यकता अन्य खेती से कम होती है एवं साल में 4 बार वो फसल की कटाई कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। एक ही छत के नीचे जिले के किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के निकट 19 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ किसान बाजार एक साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। रिवाइज बजट के शासन से अनुमोदन न मिलने व बजट न पाने से किसान बाजार परिसर में सड़कों का निर्माण व निर्मित दुकानों की फिनिशिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे किसानों को अपनी जरूरतों के सामान की खरीदारी के लिए भटकना पड़ रहा है। सपा शासन के दौरान वर्ष 2014 में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निकट स्थित रिजवान कार्यालय कन्नौज के परिसर में किसान बाजार को शुरू करने की योजना की शुरुआत हुई थी। इसके लिए प्रशासन ने 19 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही ये किसान केंद्र उपेक्षा का शिकार हो गया। किसान बाजार नहीं, केवल किसान बाजार तैयार खड़ा है, मंडी अधूरी पड़ी है, किसान मंडी, तमाम जो किसानों के हित के काम थे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आते ही रोक दिए। किसानों के हित का केवल ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन सच में ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। आप देखें, ये कहते फसल की मूल्य का 1.5 गुना हम दे रहे हैं, अखबार में निकालेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग लगाएंगे। मक्का का जो मूल्य है वो 1850 रुपए है, लेकिन क्या मक्का कहीं 1850 में पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं खरीदी जा रही है? मक्का 10-11 रुपए में किसान से ले रहे हैं। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश मंडी निर्माण निगम को दी गई थी। प्रदेश शासन की मंशा थी कि एक ही बाजार में जिले के किसानों को खाद, बीज, रासायनिक व कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर समेत बैंक व पोस्ट ऑफिस की भी सुविधा मिल सके। इसे 31 मार्च 2017 को पूरा होना था, बजट के अभाव में बीच में ही काम बंद हो गया। तो ये लोग कुछ करने वाले नहीं, किसान बाजार खड़ा हुआ है। हम लोगों ने धरना 3 महीना पहले दिया था, तब भी हमें आश्वासन मिला था कि हम अतिशीघ्र शुरू करा रहे हैं। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। इनका तो इंटरेस्ट है स्टेशन बेचो, एयरपोर्ट बेचो, एयर इंडिया बेचो, आउटसोर्सिंग पे लोगों को काम दो, जिसमें माल आए, कोरोना के नाम पे पैसा इकट्ठा करो, जनता जाए भाड़ में। जब कोई कहता है तो कह देते हैं कि हमने लोगों को नरेगा में रोजगार दिया। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इंजीनियरिंग किए हैं, जिसने बैंकिंग कोर्स किया है, जिसने MBBS किया हो, नरेगा में कार्य करेगा? उसने, उसके माता पिता ने नरेगा के लिए सपने देखे हैं? ये सरकार का काम है पैसा इकट्ठा करना, गोलमाल करना। मौजूदा समय में किसान बाजार परिसर में मुख्य भवन के साथ ही 22 दुकानें, बारात घर व सेमिनार भवन के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। बजट कम पड़ जाने पर रिवाइज एस्टिमेट शासन को भेजा गया, लेकिन अभी तक रिवाइज बजट को मंजूरी नहीं मिली है, इसी वजह से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। सौरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में स्थित देसी शराब के ठेके पर कल हुई चोरी का खुलासा हो गया है। चोरी के बाद हरकत में आई पुलिस ने ठेके में लगे CCTV फुटेज की मदद से चोर को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। देर रात पुलिस द्वारा अभियुक्त गंभीर सिंह पुत्र सामेंद्र सिंह निवासी बहादुरपुर को चोरी के पूरे माल सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाशी में उसके पास से 665 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया गया।
थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि कल वादी देवेश कुमार पुत्र श्रीनिवास के प्रार्थना पत्र पर मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमें भी गठित की गई थी। देर रात मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गंभीर सिंह को नगला वीरभान की ओर जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अभियुक्त ने चोरी करना स्वीकार किया तथा निशानदेही पर अभियुक्त के ग्राम बहादुरपुर के पुराने घर से चोरी किए गए 404 देसी शराब के क्वार्टर बरामद किए गए। सौरिक थाना क्षेत्र से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में हुई पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर खासा रोष जाहिर किया। एक तरफ कल दिन शुक्रवार को जहां मृत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई, वहीं दूसरी तरफ आज कन्नौज कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में कन्नौज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव का कहना था कि जिस वक्त दिन दहाड़े दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, उसी वक्त तत्कालीन सरकार अगर ढंग से मामले को हैंडल करती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने सरकार से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी की मांग भी की है। प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो बनारस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर की सबसे बड़ी घटना हुई। हमारा मानना है कि उस समय जिस समय राज्यमंत्री संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था थाने में, उसमें अगर सही पैरवी सरकार के द्वारा कर ली गई होती तो ये अपराधी सलाखों के पीछे होता तो ये घटना नहीं होती। दिन दहाड़े मर्डर हुआ, उसके बाद वहाँ किसी ने नहीं देखा, थाने के अंदर हुआ, उसी का उस ढिलाई का ये परिणाम है। निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कभी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तब पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के जिला अधिकारी राकेश मिश्र लगातार वन महोत्सव के दौरान वृक्षारोपण के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी का स्पष्ट रूप से कथन है कि वन महोत्सव के दौरान अधिक से अधिक फलदार और छायादार वृक्षों को रोपित किया जाए। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जनहित में कार्य करने वाली संस्थाएं बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण कार्य करें। सभी बच्चे अपने अपने घरों के सामने कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। आज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने वन महोत्सव के दूसरे दिन प्राथमिक अंग्रेजी विद्यालय नसरापुर में वृक्षारोपण करते हुए उपस्थित शिक्षकों एवं अधिकारियों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया। नसरापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया एवं स्वयं भी स्कूल प्रांगण में गुलमोहर का पेड़ रोपित कर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो स्वयं रुचि लेकर बच्चों एवं अन्य घर के सदस्यों को प्रेरित करें कि वे इस वर्ष वन महोत्सव में पर्यावरण के सुधार हेतु आगे आएं व कम से कम एक वृक्ष अपने अपने घरों पर अवश्य लगाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। पिछले काफी समय से जनपद में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रमुख महासचिव संदीप पाठक व जिला अध्यक्ष छात्र मोर्चा पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने अधिशासी अभियंता मोहम्मद शादाब को अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने ग्राम शिकवापुर तिरवा में एक माह से बिगड़ी विद्युत व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग रखी तथा इसी के साथ साथ एक सप्ताह में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त व समस्या का हल न होने पर विद्युत खंड कार्यालय कन्नौज का घेराव कर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष सैनिक मोर्चा साबिर हुसैन, तहसील अध्यक्ष छिबरामऊ गौरव तिवारी उर्फ बड़कू, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ विवेक गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी छात्र मोर्चा हैदर काजी, जिला सचिव नीरज दुबे, युवा जिला महामंत्री आदेश राजपूत, कमल तिवारी, आशुतोष यादव उर्फ चवन्नी सहित अन्य दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। द पंचौरी न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।
डीजल पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कन्नौज कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद शक्के के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अपूर्वा यादव को दिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने पर ये बात साफ हो गई है कि भाजपा सरकार इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि रखती है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। देश की जनता इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल के दामों एवं उत्पाद शुल्क में की गई सभी बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। अन्यथा हम कांग्रेस के लोग देश की जनता के हित के लिए आंदोलन के लिए विवश होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। डाक बंगला रोड पर एक निवासी राहुल सिंह को संक्रमित पाए जाने पर अग्रिम आदेश तक नवीन न्यायालय परिसर को बंद किया जाता है। इस प्रकार का एक आदेश सत्येंद्र कुमार प्रभारी जनपद न्यायाधीश के नाम से जारी किया गया। नवीन न्यायालय का मुख्य मार्ग जो आंशिक रूप से हॉटस्पॉट भी चिन्हित किया गया है तथा एक मामले के सामने आने के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रभारी न्यायाधीश ने कदम उठाया। हालांकि आज कन्नौज में कोई नया कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। अब तक कन्नौज में 248 कोरोना के मामले हैं, जिसमें 226 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 22 मामले एक्टिव कैटेगरी में हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेतर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि खतौनी के अंश निर्धारण, चक्रोड आदि संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। बैठक से एक दिन पूर्व बुकलेट व विभागों से प्राप्त नक्शे प्रेषित किए जाएं। अविवादित विरासतों के प्रकरणों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। कर वसूली में तेजी लाई जाए। स्टाम्प वसूली की जानकारी में बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण अप्रैल में स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन मात्र 6 लाख रुपए, मई में 22 लाख व जून में 4,45,000 रुपए ही हो पाया है। उन्होंने आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए भी निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी, परिवहन, विद्युत, नगर निकाय, भू राजस्व आदि विभागों द्वारा की जा रही वसूली के संबंध में भी जानकारी की। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।